Hey guys, welcome to Namrita's Kitchen in Vlogs. आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही काम की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि मुझे लगता है हर किसी को पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम हरा धनिया लेकर आते हैं मार्केट से, चाहे हम उसे फ्रिज में रखें या जैसे भी, वो एक से दो ही दिन में काला पड़ जाता है या फिर अच्छा नहीं रहता, मतलब वो फ्रेश नहीं रहता है और हमें डेली धनिया खरीदना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आज आप लोग के साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस हरे धनिए को 10 से 12 दिन तक हरा रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँगी, आप प्लीज़ उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि आपका धनिया लगभग 10 से 15 दिन तक के हरा का हरा ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जब भी आप मार्केट से धनिया खरीद कर लाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि बहुत से उसमें मिट्टी और कुछ मतलब डस्ट रहता है, उसको आपको अच्छे से धो लेना है और उसका जो जड़ वाला पोर्शन है आपको उसे कट करके अलग कर देना है। उसके बाद उसे फैन के नीचे भी आप फैला कर रख सकते हैं, जिससे वो थोड़ा उसमें जो भी पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए। हमें धनिया में से सिर्फ पानी को ही सूखने देना है, ज़्यादा देर आपको फ़ैन के नीचे नहीं रखना है या फिर इसे टॉवल वगैरह से नहीं रगड़ना है, वरना धनिया ऐसे ही काला पड़ने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये धनिया को अच्छे से थोड़ा सा सुखा लिया है, मतलब इसमें जो पानी था उसे मैंने अच्छे से सुखा लिया है धोकर। उसके बाद मैं इस तरीके का एक एयर टाइट कंटेनर ले रही हूँ, ये एक सोन पापड़ी का डिब्बा है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसे भी सुखा लिया है। अब मैं सबसे पहले इसके निचले हिस्से पर टिश्यू पेपर को अच्छे से बिछा दूंगी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब इस टिश्यू पेपर के ऊपर हमें सूखे हुए हरे धनिए को रखना है। अब मैंने धनिया को पूरा अच्छे तरीके से रख दिया है। गाइस, आप सभी को इस समय ये ध्यान में रखना है कि धनिया के अंदर कोई भी पीली पत्तियां मौजूद ना हो और कोई भी धनिया की पत्ती जो है वो ख़राब ना रहे। हमें मतलब इसके अंदर में सिर्फ फ्रेश धनिया लीव्स को ही डालना है, वरना जो ख़राब पत्तियां होंगी वो बाकी की अच्छी धनिया को भी ख़राब कर देंगी। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे ही जो धनिया की पत्तियाँ हैं उसे ही इसमें डाला हुआ है। अब मैं इसके ऊपर फिर से एक टिश्यू पेपर को अच्छे से कवर कर दूंगी और इसके कवर को बंद करके इसे फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं अगले दिन का आपको शो करती हूँ। दूसरे दिन मैं इस बॉक्स को ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं ऊपर वाला टिश्यू पेपर हल्का सा गीला हो गया है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, वरना इसे पलट के भी एक दिन के लिए लगा सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप चेंज कर दीजिए। और आप सभी देख सकते हैं कि धनिया बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, थोड़ा बहुत ही अंतर नज़र आएगा आपको 19-20 जैसा, बाकी वैसा की वैसा मिलेगा आपको। फिर आपको जो भी जितना भी धनिया आपको जितनी भी क्वांटिटी में यूज़ करनी है उसे निकाल लीजिए, और अगर इसमें कोई भी पीली पत्ती नज़र आ रही हो या ख़राब पत्तियाँ नज़र आ रही हो तो आप उसे फिर से निकाल के फिर से इसके ऊपर टिश्यू पेपर को बिछा के डिब्बे के ढक्कन को बंद कर दीजिए और इसे फिर से फ्रिज में रख दीजिए। अब मैं आपको सीधे फोर्थ डे का दिखा रही हूँ कि धनिया में कितना डिफरेंस आया है, आप खुद ही देख सकते हैं। गाइस, आप सभी को ये प्रोसीजर तब तक करते रहना है जब तक कि आपका धनिया जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। आप सभी देख सकते हैं, अब मुझे इस धनिया को यूज़ करते हुए लगभग 6 दिन हो चुके हैं और 6वें दिन भी आप देखेंगे कि ये धनिया अभी भी फ्रेश ही नज़र आ रहा है। मतलब अगर आप इसे डायरेक्ट फ्रिज में ऐसे ही रख देते धो के तो वो थोड़ा सा काला हो जाता है और फ्रिज में ही मतलब सड़ने जैसा होने लग जाता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि 6 दिन होने के बाद भी ये धनिया अभी भी वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है। बस इसमें कुछ पीली पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, आप उन्हें हटा सकते हैं। मैं हमेशा धनिया को ऐसे ही रखती हूँ और हम लोग मार्केट से सिर्फ एक बार धनिया लेकर आते हैं और उसे 10 से 12 दिन तक यूज़ करते हैं आराम से। अगर आप किसी बड़े कंटेनर का यूज़ करेंगे तो आप थोड़े ज़्यादा दिन तक भी धनिया को मतलब 15 दिन तक लगभग यूज़ कर पाएंगे। बस इस प्रोसीजर में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बीच बीच में जो पीली पत्तियाँ उसमें रहती हैं या जो भी ख़राब पत्तियाँ रहती हैं उसे ही आपको रिमूव करते जाना है और टिश्यू पेपर के कवर को भी बदलते जाना है और फिर इसे बॉक्स को बंद करके फ्रिज में रख के यूज़ करते रहना है। आप सभी से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये ट्रिक कैसी लगी और ये आपके कितने काम की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।